वो सवाल तो अभी पूछना पड़ता है. वेल, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट्स इन द हाउस, लेट्स कॉल अपॉन द चैंपियंस टू द इंटरव्यू डेस्क. वेल, यू नो, मैं भी थोड़ा सा अपसेट होकर बैठता हूँ. लेट्स कॉल अपॉन नन अदर देन द चैंपियंस टीम गॉडलाइक. दिल से गॉडलाइक गाइस, कांग्रेचुलेशंस. एंड इस माहौल का, इस इंटरव्यू का काफी समय से इंतजार था. काफी लंबे समय से हम देख रहे थे कि कैंप्स में मेहनत चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, और अब फाइनली वो दिन आ चुका है. मुझसे बहुत बार पूछा गया था घातक भाई कि गॉडलाइक का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे, गॉडलाइक का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे. एंड आई वॉज लाइक कि जीत जाने दो, उसके बाद अपने आप यहाँ पर आपको ये टीम मिल जाएगी. यार वो तो मतलब बात ही है ना, मतलब आपको तो पता ही है जीतने के बाद ही आने वाले अपन. जीतने से पहले हमारा वो सुपरस्टिशन का थोड़ा सा मतलब सुपरस्टिशन चोक कर देते बाद में. अच्छा, अच्छी स्ट्रेटेजी है, अच्छी स्ट्रेटेजी. सबसे पहला सवाल मैं अभी, आप पूछ लीजिए, तैयार है आपका वो सवाल. आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे फुल्के देख रहे हैं. सो भाई, सबसे पहले कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ. और एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतनी धनराशि का क्या करेंगे आप? 12 लाख रुपए तो यही की लागत यही में लगेगी. प्लेयर्स को इम्प्रोवाइज और करना यहाँ पर आप चाहेंगे और इन्हीं पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज ऐसे और बहुत से इवेंट्स हैं जो अभी गॉडलाइक ने जीतने हैं. सो एक छोटा सा हम क्वेश्चन, जितना पैटर्न हमारे पास है, बहुत सवाल है घातक भाई यहाँ पर, तो एक एक करके सबसे हम पूछना चाहेंगे. पीछे मुझे नोवा किंग भी दिख रहे हैं, यहाँ पर नियो सी गॉड सब यहाँ पर बैठे हुए. सो यस, ये पार्टी अभी तक शुरू भी नहीं हुई है जिसके अंदर हम भी थोड़ा सा शामिल होना चाहेंगे. सो लेट्स जस्ट ब्रिंग इट ऑन द क्वेश्चन. पहला सवाल ये मैं घातक भाई से पूछना चाहूंगा, How do you feel after winning championship 3.0 BGMI? यार आदत हो गई है अभी. यार मतलब अभी अन्ना को भी बताया, मतलब हर स्काई स्पोर्ट्स का भी रिसेंटली वैलोरेंट का भी टूर्नामेंट जीता मेरी टीम. जी बिल्कुल. तो बस अपना यही है कि यार ग्राइंड करो और ई-स्पोर्ट्स में वर्ल्ड में जाके ट्रॉफी लाना है, बस यही एक सपना है हमारे सबका. और यही सपना हम लोग मतलब छोड़ेंगे नहीं कभी भी, मतलब जब तक वो ट्रॉफी नहीं आती तब तक हम लोग ग्राइंड करते रहेंगे. ओके, सो आईजीएल छोटी सी पीक दे रहे हैं यहाँ पर क्लच गॉड. क्लच गॉड से मैं पूछना चाहूंगा, हु वाज द टफेस्ट टीम? आईजीएल से पूछना चाहूंगा, हु वाज द टफेस्ट टीम यू थॉट यू हैव गिवन अ डिसेंट फाइट टू? मतलब कौन सी टीम आपके हिसाब से आपको लगता है बड़ी टक्कर की फाइट यार इस टूर्नामेंट में उसने दिया? आरएनटी, रेवेनेंट और अपना, क्योंकि बोल रहे भाई, बोल रहे रेवेनेंट क्योंकि शॉर्ट होंगे, और सेवन सीज. ओके, सेवन सीज ने यहाँ पर एक्चुअली में काफी टफ चैलेंज दिया, लास्ट डे तक, लास्ट मैच तक इनफैक्ट. और रेवेनेंट मतलब प्लेसमेंट पॉइंट पोजीशनिंग उनकी बहुत अच्छी थी. एब्सोल्युटली. ओके, तो सबसे बेसिकली रेवेनेंट का जो मतलब प्लेसमेंट पॉइंट्स था, उनको उनके जो रोटेशंस थे बहुत अच्छे थे. और सेवन सी की गन फाइट, अपना स्काईलाइट की गन फाइट, मतलब इन लोगों ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की. और सेवन सी का कोऑर्डिनेशन सिनर्जी बहुत अच्छी है. बस ऑब्वियसली उनका एक फर्स्ट इवेंट है ये, तो आने वाले इवेंट में और अच्छा परफॉर्म करेंगे वो लोग. वो तो मतलब दिख गया है, मतलब ऑडियंस को भी दिख गया है वो चीज की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग. वेल, आईजीएल, आईजीएल से एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि कल का दिन थोड़ा डिसेंट सा ही था, हम हैशटैग वन पर नहीं थे, तो आज यहां पर क्या माइंडसेट था, किस माइंडसेट से टीम खेलना उतर कर जाना चाहेगी, कि मतलब पूरा टपाटप देने वाला डिसीजन था या फिर दिल से भी गॉडलाइक और दिमाग से भी गॉडलाइक वाली गेम प्ले के साथ उतरे थे आज आईजीएल? दिल और दिमाग दोनों. दिमाग से भी खेले और टपा टप. ओके, दो शब्द है जो गॉडलाइक के टीम के साथ काफी ज्यादा जाते हैं, डोमिनेशन, कंसिस्टेंसी. क्लच गॉड से मैं पूछना चाहूंगा इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या डोमिनेशन और कंसिस्टेंसी जो तुम्हारी है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या कहना? अभी आई गेस उतना ही कंसिस्टेंट नहीं है हम लोग, और कंसिस्टेंट होना, क्योंकि फर्स्ट डे, थर्ड डे और अपना जो फिफ्थ डे हुआ था उसमें हम लोग चिकन डिनर जो हाँ, चिकन डिनर वो सब इम्प्रूव करना है बस. अच्छा, जोनाथन यहाँ पर बैठ के बड़े आराम से सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, टॉप फ्रैगर हैं, टपा टप खेल चुके हैं.
जोनाथन से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपना रोल अच्छे से जस्टिफाई करते हो, आपकी टीम में सारे अपना अपना रोल निभाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आईजीएल के कॉल्स बेहतरीन आ रहे हैं, सारे टैक्टिकल मूव्स आपके ऑन पॉइंट जाते हुए दिखे हैं, बट जब भी हम कैंप में देखते हैं तो हमें घातक भाई की बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखती है, तो एज अ मेंटोर, एज अ सीनियर इन दिस लाइनअप, घातक भाई का रोल अभी इस टूर्नामेंट में क्या था? तो घातक का ऐसा है कि वो हम लोग को बहुत पीछे से सब चीजें देखता है, लाइक हम लोग को मतलब जो भी रहेगा रोटेशन वगैरह सब क्लच गॉड को पहले से ही समझा देता है ऐसा ऐसा करना है तेरे को, तो मतलब घातक एक हमारे बहुत बड़े भाई जैसे है एंड एक कोच भी है, तो समझ रहा हूँ, तो घातक और व्हाट ये ओके ओके नेक्स्ट सवाल किससे पूछे, आई थिंक पूरी टीम से ही पूछना चाहिए नेक्स्ट सवाल, ओके कल के प्लान्स क्या है गाइस? कुछ बोलने नहीं। पार्टी कहां पर है? क्या? पार्टी पार्टी कहां पर है ऐसे कैप्टन पूछ रहे हैं? पार्टी सबके लिए नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन फ्रेम में आए, मुझे आपसे थोड़ी सी और बात करनी है स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 के बारे में, आपका क्या कहना है? एक बड़ा प्लेटफॉर्म, आप प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा यू नो जुड़े रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट काफी रहती है, तो इस टूर्नामेंट का जो ये बैनर हमारे पीछे लगा, इस पूरे इवेंट के बारे में आपका क्या कहना है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी बहुत सारे मतलब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स है, बट जो स्काई स्पोर्ट्स का मैं देखता हूँ ना, उनका प्रोडक्शन क्वालिटी, उनकी जो टीम है, उनका ऑन पॉइंट जो सारी चीजें होती है मतलब ऑन टाइम, और ये जो क्रिएटिव्स 3D एनिमेशन जो यूज करते हैं, मतलब ये भी गॉड लाइक है एक्चुअली, पूरा प्रोडक्शन और पूरी टीम गॉड लाइक है एक्चुअली देखा जाए से, काफी अच्छे तरीके से बड़े क्रिएटिव तरीके से यहाँ पर घातक भाई चीजों का आंसर देते हुए, तो अब क्रिएटिविटी सारी आ गई है, खेमा बड़ा खुश है, तो थोड़ी सी और मस्ती यहाँ पर डाली जाए, रैपिड फायर सेशन हम यहाँ पर यूज अब शुरू करने वाले हैं, और इसमें मैं चाहूंगा कि जी गॉड और नियो भी इन्वॉल्वमेंट अपनी ले, जो नियो ऑब्वियसली जो अभी बिल्कुल आराम से शांत है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर रैपिड फायर, एक ही क्वेश्चन होगा गाइस बाय द चेन, आप एक एक करके उसका आंसर दीजिएगा, दो चीजें रहेंगी, एक आपको उनमें से चूज करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर घातक भाई से, देन ऑर्डर विल बी नियो, जी गॉड, क्लच गॉड, जोनाथन, एंड आई वुड लव टू हैव क्रॉन्टन्स और क्रॉन्टन माय ओपिनियन आल्सो, सो डीपी या M4 स्टार्टिंग फ्रॉम घातक भाई? M4 नियो, M4 M4, मतलब डीपी वाले कोई भी नहीं है यहाँ पर, ओके, जिम या पिज्जा? पिज्जा भी नहीं और जिम भी नहीं है एक्चुअली अभी के टाइम पे, पर आने वाले टाइम में तो पिज्जा कम होगा और जिम ज्यादा होगी, ओके नियो, क्लच गार्ड क्रंटन भाई आप क्या पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार रहेगा, इसमें BGMI या गर्लफ्रेंड, ये घातक भाई के लिए नहीं है वैसे, बट हम शुरू करते हैं नियो से, BGMI सबका BGMI सबका BGMI ना, अच्छा ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो संभल के आंसर देना पड़ेगा ये आप लोगों को, TSM एंटिटी या गॉड लाइक ऑल राइट, नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग ग्राउंड्स या फिर TDM? ट्रेनिंग ग्राउंड सबका, ओके एक ऑड वन आउट है, ऑल राइट, 25 स्किल
चिकन डिनर या फिर लास्ट बंदे को पैन करना? लास्ट बंदे को पैन करना, पैन सबका पैन, ये क्रिएटिव स्टाइल मैंने गॉडलाइक का बहुत देखा है। ओके मैं भी। घातक भाई आपका एक बड़ा तकिया कलाम है, आप काफी कोशिशें करते हैं नई टीम्स को प्रमोट करने की। हमारे इस इवेंट के अंदर भी चार ऐसी टीमें थी जो जिन्हें हम राइजिंग स्टार्स बुलाने, उन्हें हम अंडरडॉग बिल्कुल भी नहीं बुलाते। एक टीम थी राशि स्पोर्ट्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाई आपके थोड़े से सपोर्ट से, उसे अब मैंने अपना नाम दिया, वो टीम मायावी के नाम से जानी जा रही है अब। बट जो तीन टीमें क्वालिफाई करके यहां तक आई है उनके बारे में आप कुछ बताएं, बिकॉज वो आपके सपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। मतलब जितनी भी टीम्स खेली बहुत अच्छा खेली, और जो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, मतलब जो अंडरडॉग टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, ऑब्वियसली एक पैनिक सिचुएशन होता है, मतलब बड़ी बड़ी टीम्स के सामने जब खेलते हो तो होता है, तो वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। बट मेरे हिसाब से ये इवेंट से उनको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है। और रही बात सेल्सियस, जो मतलब मैंने जो सेल्सियस का देखा है ना गेम प्ले, मतलब बहुत अच्छा गेम प्ले उनका, एस्टेक का भी अच्छा गेम प्ले, मतलब अच्छा सारी टीम खेली, लेकिन सेल्सियस ने मतलब हैरान कर दिया लोगों को सारे। और उस दिन जो मीरामार में जो उन लोगों ने हमारी थर्ड पार्टी जो संभाली ना, मतलब हैट्स ऑफ यार, मतलब बहुत अच्छा खेले उन्होंने। दैट प्रोन शॉट, मुझे अभी भी वो प्रोन शॉट याद है जहां पर क्लच गॉड माइक्रो उजी लेकर गए थे और वो प्रोन शॉट में डॉट एचपी बचे थे। नॉट ओनली यू, टीम सोल के साथ भी एक बार ऐसा थर्ड पार्टी का सिनेरियो सेल्सियस ने काफी अच्छे तरीके से निकाला था। सो यस एग्जैक्टली आई एग्री विद यू कि सेल्सियस ने काफी इंप्रेस हमें किया है। सो एक छोटा सा सेगमेंट और रहेगा अगर आप लोग इस चीज के लिए अलाउ करें हमें, तो नेवर हैव आई एवर, इसमें आपको सिर्फ आंसर करना है यस आई हैव या फिर हमने ये नहीं किया हुआ। उसी चेन में शुरू करेंगे और स्टार्ट करते हैं घातक भाई से कि फेल्ड इन एग्जाम्स ड्यू टू बीजीएमआई या पबजी भी पहले था, तो कोई भी गेम खेलते खेलते कभी आप 8 साल पहले हो गया कंप्लीट। नियो से शुरू करेंगे, नियो से शुरू करते हैं, आप कभी फेल हुए हैं गेम के चक्कर में? कॉलेज के बाद ही गेम आया। नहीं मैथ्स, अरे मैथ्स वो पकड़ा इसके बाद ही गेम आया। ओके जी गॉड, मेरा भी नहीं, कभी नहीं कभी फेल नहीं हुए गेम के चक्कर में ना। जॉनी, जॉनी तो पढ़ने में काफी यू नो इंटरेस्टेड रहते हैं, तो दोनों चीजें कैमरा पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके ये वाला पूछ सकते हो, ये बहुत ये एक्चुअली जॉनसन के लिए स्पेसिफिकली अलग से होना चाहिए, बट ठीक है सबके लिए रहने वाला है ये। 1,00,000 की शॉपिंग एक ही बार में, ये दोनों मतलब एक बार की शॉपिंग नहीं, मतलब एक बार का टी शर्ट और नेट पैंट। ओके तो किसी ने कभी मैच मिस किया है बिना इन्फॉर्म किए? ये क्या, ये अभी भी करता है, ऐसा पूछ रहे हो? अभी भी करता है। ओके मैं अभी। ओके सो वैसे जितने क्वेश्चंस हमारे पास थे वो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, बट अपनी तरफ से भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। ये नेवर हैव आई एवर के सेगमेंट से थोड़ा अलग है, ये टूर्नामेंट की टीम्स के ऊपर ही रहेगा, तो चूज करना है आपको प्लेयर्स के बीच में कि कौन आपकी नजर में बेहतर रहेगा, आपको एक चूज करना है उनमें से। ये घातक भाई से मैं सारे क्वेश्चन इसमें से पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में बेहतर आईजीएल कौन है, मवी या क्लच गॉड? मेरी नजर में बेहतर आईजीएल अपना लाला है। घातक भाई के लिए स्पेशली, तो घातक भाई आप कुछ दिनों पहले स्काई स्पोर्ट्स लीग 2021 भी जीते हैं, आपकी टीम वहां पर भी जीती है, एंड ये जो कंसिस्टेंसी आप दिखा रहे, लाइक लीग भी आपने जीत लिया, चैंपियनशिप बीजीएमआई भी जीत लिया, अगला कुछ आने वाला है वो भी आप, मुझे लग रहा है जैसे आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, आप वही वो भी शायद दिनों जीतने का ही टारगेट रखेंगे ऑफ कोर्स, एंड क्या पता जीत भी जाए, तो आपको ये कंसिस्टेंसी, ये कितना मेहनत लगा है आपको ये अचीव करने के लिए, एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस? मेरा पूरा का पूरा फोकस ई-स्पोर्ट्स पे, मतलब आने वाले टाइम में जो भी गेम में खेलूँ, जितने भी गेम, मतलब मैं खेलूँ या ना खेलूँ, मतलब मेरे साथ जितने भी लोग रहेंगे खेलने वाले, जितने भी प्लेयर्स मेरे साथ रहेंगे, मेरा बस एक ही उसमें सपना है कि सारी की सारी टीम्स मेरी जीते, हर टूर्नामेंट जीते। कभी कभी हार का मुकाबला करना पड़ता है, बट वो चल जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। बट नहीं, यस हमारा पूरा का सूट पूरा मतलब ई-स्पोर्ट्स में ही फोकस है, और आने वाले हर गेम, जो भी गेम अभी इंडिया में आने वाले टाइम में एंटर करेगा, हर गेम में हम लोग डोमिनेट करेंगे।
ओके वेल क्रॉन्टन भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्रॉन्टन भाई, आपने अभी एक नई टीम उठाई है, अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को आपने एक मौका दिया, नई टीम बनाई और उस टीम ने आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी उस पे वो खरे उतरे। आपने डिमांड करी थी कि मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा जो इंडिया में #1 लेकर आएगी, जो इंडिया में टॉप पर रहेगी। सो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब आपका वो अंदर का जो मोटिव था वो हल्का फुल्का पूरा होता हुआ आप देख पा रहे हैं, ऑब्वियसली पूरे तरीके से नहीं, अभी बहुत से और अपॉर्चुनिटीज आने बाकी है, बहुत से बड़े बड़े इवेंट्स भी और आने बाकी हैं जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, बट कितने हद तक आप सेटिस्फाइड हैं और आगे के क्या प्लान्स हैं टीम गॉडलाइक के? मतलब मैं काफी खुश हूँ, जो मैं काफी खुश हूँ जो टीम ने परफॉर्म करा, क्योंकि मेरा हमेशा स्टार्टिंग से, मतलब जब से गॉडलाइक बनाई है तब से मेरा एक ही एम था कि स्पोर्ट्स में, कंटेंट में नहीं बट स्पोर्ट्स में हमें आगे जाना है, क्योंकि वहीं पे हम इंडिया को एक प्राउड फील करा सकते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे भी। जब घात तक से मेरी बात हुई थी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, तब मैंने, मेरा ड्रीम था कि ये टीम गॉडलाइक में आए और उस टाइम नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ उनके कॉन्ट्रैक्ट थे और जी। तो लेकिन 2 साल के बाद मुझे मौका मिला और मैंने वो बिल्कुल जाने नहीं दिया, क्योंकि सी मुझे जोनाथन ये मैं स्टार्टिंग से जानता था, मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी थे, तो मैंने सोचा था कि अब ये मौका मिला है ये हाथ से जाने नहीं दे रहा, क्योंकि यही पे हम पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, इवन गॉडलाइक का भी, और हमारे जो प्लेयर्स है उनको जो भी चीजें चाहिए उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए फ्यूचर में, वहां पे कहीं पर भी गॉडलाइक मतलब पीछे नहीं हटेगी चाहे मतलब जो भी हो, और हम साथ में मिलके, हमारी टीम घातक भाई हम सब साथ में मिलके, जो भी मैनेजमेंट टीम है, नॉट ओनली BGMI, हम आगे भी बहुत सारे गेम्स में और अच्छा करेंगे, और ये जो टीम है ये हमारा एक फैमिली है। हाँ, फैमिली और एक स्टार्ट है हमारा एकदम, मतलब हमारा जो एक बिग अचीवमेंट जो हमें अचीव करना है तो उसका एक स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया है, अब आने वाले डेज में हम एकदम फाड़ देंगे। वेल, आपको शायद पता होगा कि स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 की जो अवार्ड सेरेमनी है अब वो लाइव होगी, आप सबको इनवाइट किया जाएगा। सो कितने एक्साइटेड हैं आप सब वहाँ पर उस अवार्ड सेरेमनी में जुड़ने के लिए? लोकेशन आपको बहुत ही जल्दी बता दी जाएगी। सो कातक भाई, ये बहुत रेयर होता है ऐसा, स्काई स्पोर्ट्स इन सब चीज़ों में भी काफ़ी आगे अपने एफर्ट्स लेकर आ रहे हैं, सो इस प्लान के बारे में, इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब अभी वहाँ पे आई डोंट थिंक कि अभी तक गेस्ट कोई उन लोगों ने डिसाइड किए होंगे, बट गेस्ट भी थोड़े से अच्छे रहेंगे तो ऑब्वियसली हमें भी आने में मजा आएगा और हम भी एंजॉय करेंगे वो एनवायरनमेंट। वेल एग्जैक्टली, साथ ही साथ एनीथिंग एल्स? वेल, एक सवाल रहने वाला है, दिस इज फ्रॉम द ऑडियंस एंड सवाल ये स्पेसिफिकली घातक भाई के लिए। घातक भाई, आपको क्या लगता है, इज गॉड लाइक रेडी फॉर द ग्लोबल स्टेज? या अरे 100%, ये तो कब से है हम लोग, और वेट है सिर्फ, वेट है सिर्फ, वेट है जस्ट, वेट है। अब तो टप्पा टप देना ही पड़ेगा, अब तो नहीं पड़ेगा फिर से एक बार फिर से हां, ये सारे जितने भी यहां पर फ्रेम में एक बार ये बोल सिंक में होना चाहिए, अब तो टप्पा देना ही पड़ेगा। ये दिस इज समथिंग वी वांटेड एंड यस, कातक भाई ज्यादा मैं आप लोगों की पार्टी डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक ऐसा मैसेज जो आप उन सारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं जिन्होंने गॉडलाइक को सपोर्ट करा है, या फिर जो स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट में गॉडलाइक को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट यू नो फेर बदल होता रहता है, जीतते हुए देखते हैं अपना यू नो हृदय परिवर्तन उनका होता है और अब वो गॉडलाइक के ट्रू सपोर्टर्स बन चुके हैं, तो पहले के सपोर्टर्स साथ में अब जो आपने नए लोग अपने साथ जोड़े हैं अपनी जर्नी में, उन सपोर्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? मैं सबसे एक्चुअली एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो मतलब चैट सेक्शन में कुछ गलत चीजें होती है स्पैम, वो छोड़ दो, हम लोगों ने भी हमारी गलतियां सुधार ली 9-10 महीने पहले जो हम थे, हम लोगों से बहुत गलतियां हुई थी, बहुत सारे मतलब सब लोगों से गलतियां हुई थी, बट वो गलतियां सुधार के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें मतलब किसी भी निगेटिव एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनना आने वाले टाइम में जी। और ये सारी चीजों से हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी फैंस है और जितने भी गेमिंग के फैंस हैं वो सारे लोग ये सारी चीजों से दूर रहे, और बस सब लोगों को दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, लव यू ऑल। चलो, ये बहुत अच्छा मैसेज एक अच्छे नोट पर यहाँ पर आप लोग अब यहाँ से आराम से अपनी पार्टी करने के लिए जाएं, बिल्कुल आप बेहतर यहाँ पर अपनी पार्टी कर सकते हैं। गाइस, आप लोगों ने ये पार्टी अर्न करी है, आप लोगों ने अपनी जो सपोर्ट है वो अर्न करी है, और जाने से पहले कैप्टन आपकी तरफ से कुछ? वेल, यही कहेंगे कि एंजॉय कीजिए, ऐसे ही ग्राइंड करते रहिए, दिल से गॉड लाइक बहुत लोग हैं। वेल,
एंड यू नो और क्या कह सकते हैं, लाइक यू गाइज आर दी चैंप्स, यू गाइज हैव बीन द बेस्ट. लाइक हम हमेशा कहते हैं मे द बेस्ट टीम विन स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.2 के बेस्ट टीम गॉड लाइक दिस इज द बेस्ट टीम. सो गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड कांग्रेचुलेशंस.